Assalamu alaikum, welcome to Drops of Knowledge. Today I am going to discuss about the isoprene rule. Terpenoids ke andar isoprene rules kya hai? Terpenoid ke agar structural features ko hum discuss karein to do important observation milti hain. Ek ye ki tamam terpenoids hydrocarbons unka empirical formula hai C5H8 aur C5H8 ek isoprene unit hai. Agar aur second observation ye hai ki inki thermal decomposition ki jaye टर्पेनॉइड्स मॉलिक्यूल की थर्मल डिकम्पोजिशन की जाए तो ये आइसोप्रीन देते हैं एज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट एज वन ऑफ द प्रोडक्ट के तौर पर ये एक आइसोप्रीन यूनिट लाजमी देते हैं. इसी दोनों ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक साइंटिस्ट था वो वॉल्ज, उसने इस चीज़ को कहा कि ये आइसोप्रीन रूल है. मीन द डाई विजिबिलिटी ऑफ नियरली ऑल द टर्पेनॉइड्स इन टू आइसोप्रीन यूनिट was first pointed out by O. Walsh in 1887 under the name of isoprene rule. और इस साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में नोबल प्राइज़ भी दिया गया था 1910 में. और फर्दर आइसोप्रीन रूल को कन्फर्म भी किया जाता है बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स. तीन फैक्ट के थ्रू हम करते हैं इसे कन्फर्म भी. और वो फैक्ट्स ये हैं कि आइसोप्रीन को अगर डाइमराइज किया जाए लेबोरेटरी में तो ये एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टर्पेनॉइड देता है जो कि डाइपेंटीन है. आइसोप्रीन मे बी डाइमराइज्ड so it will give the in laboratory in lab it will give the widely distributed beauty terpenoids which one is called डाइपेंटीन. मेन दो यूनिट आइसोप्रीन यूनिट इकट्ठे हों तो वो देते हैं C5H8 विल फॉर्म द C10 C10 A16. ये क्या है, ये एक आइसोप्रीन है और ये डाइमराइज होने से देता है पेंटीन डाई पेंटीन. और दूसरा फैक्ट ये था कि आइसोप्रीन को पॉलीमराइज किया जाए. ये तो डाइमराइज किया है, अगर इसे पॉलीमराइज किया जाए तो ये एक रबर कंपाउंड देता है बाय पॉलीमराइज द आइसोप्रीन यूनिट. इन लैब इट विल गिव द रबर एज द प्रोडक्ट. पॉली को पहले भी हमने शो किया है एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स C5H8 इट विल गिव अ प्रोडक्ट विच वन इज कॉल्ड रबर. वो देते हैं C5H8. और थर्ड फैक्ट जो था इस आइसोप्रीन रूल को कंफर्म करने के लिए, अगर इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से या
pyrolysis of rubber या other terpenoids. Pyrolysis mean उसे तोड़ देना of rubber and other terpenoids. अकॉर्ड टू आइसोप्रीन, ये भी क्या देते हैं, आइसोप्रीन यूनिट देते हैं, जैसे ऊपर कहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट. सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आइसोप्रीन रूल बेसिकली ये है कि तमाम ऑल द टर्पिनाइड कंपाउंड्स कंटेन द आइसोप्रीन यूनिट्स इन देयर स्ट्रक्चर्स विच वन इज़ कॉल्ड आइसोप्रीन रूल. और ना सिर्फ ये आइसोप्रीन टर्पिनाइड्स आइसोप्रीन यूनिट्स से मिलकर बनते हैं बल्कि इनके अंदर इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट भी होती है. इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.